हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ्स रीडिंग एबी बेसिक्स पर। दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जेएनवी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास नाइन्थ के लिए हमने साइंस की क्लासेस स्टार्ट की हुई है और उसी कड़ी में आज हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कोयला एवं पेट्रोलियम। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तीनों भी दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज भी दो प्रकार के होते हैं, उसे हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। फिर हम कोल के बारे में पढ़ेंगे, कोयले से कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड होते हैं, कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कोयले को और पेट्रोलियम को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, इसे कैसे बचाया जा सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं दोस्तों जो हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है आर्टिफिशियल यानी कि मानव निर्मित, मैन मेड, या फिर इसे हम कृत्रिम संसाधन भी कह सकते हैं। दोस्तों, नेचुरल रिसोर्सेज, नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमें नेचर से मिलते हैं यानी जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी ऐसे संसाधन जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे दोस्तों, एयर, सोयल, वाटर, मिनरल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सभी क्या हैं दोस्तों, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और दोस्तों, जो रिसोर्सेज हमें प्रकृति से नहीं मिलते, जो कि मानव निर्मित होते हैं, उन्हें हम आर्टिफिशियल रिसोर्सेज यानी अप्राकृतिक या फिर मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। दोस्तों, नेचुरल रिसोर्सेज दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। सबसे पहला है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज यानी अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज यानी क्षय प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, वो संसाधन जो कि प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं, यानी ऐसे संसाधन, ऐसे रिसोर्सेज जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नेचर में प्रेजेंट हैं और उनको जितना भी हम यूज़ कर लें वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे दोस्तों, सनलाइट हो गई, एयर हो गई, वाटर, ये सभी क्या है दोस्तों, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। और दोस्तों, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी अमाउंट नेचर में लिमिटेड होती है यानी जो कि सीमित मात्रा में नेचर में प्रेजेंट हैं, उनको हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं यानी क्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे दोस्तों, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी क्या है दोस्तों, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। दोस्तों, अगर हम इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा और अनियंत्रित मात्रा में प्रयोग करते रहेंगे तो दोस्तों इनकी कमी हो जाएगी और आने वाले टाइम में इनके समाप्त होने की संभावना भी होगी। तो ये बहुत ही जल्दी समाप्त भी हो सकते हैं अगर हम इन्हें अधिक मात्रा में और एक अनियंत्रित तरीके से इनका यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, हमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है और ये तीनों क्या हैं दोस्तों, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं यानी क्षय प्राकृतिक संसाधन हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों कोल के बारे में। कोल इज द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम माइंस, इट इज ए फॉसिल फ्यूल विच इज हार्ड, सॉलिड एंड ब्लैक इन कलर। यानी दोस्तों, जो कोयला है वो है कार्बन का सबसे अशुद्ध रूप होता है और इसे हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसे खानों से प्राप्त कर सकते हैं। आपने सुना होगा दोस्तों, कोयले की खाने होती हैं। ये दोस्तों एक जीवाश्म ईंधन होता है जो कि कठोर, ठोस और काले रंग का होता है। दोस्तों, जो कोयला है वह काले रंग का होता है और एक जीवाश्म ईंधन है, यानी इसे ईंधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों,
कोयले से पहले रेलगाड़ियों में क्या किया जाता था, कोयले को जलाकर भाप उत्पन्न की जाती थी जिससे रेलगाड़ी चलती थी, उसे ऊर्जा मिलती थी। तो दोस्तों जो कोयला है कार्बन की मात्रा के आधार पर इसे चार प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। दोस्तों जो पहला है वो है पीट, जिसमें 60% कार्बन होता है। दूसरा है लिग्नाइट, जिसमें 70% कार्बन होता है। और तीसरा है दोस्तों बिटुमिन्स, जिसमें 78 से 83% कार्बन होता है। और फोर्थ है एंथ्रेसाइट, जिसमें 90% कार्बन होता है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर दोस्तों जो कोयला है वो चार प्रकार का होता है। दोस्तों जो बिटुमिन्स है वह सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोयला है, यानी ये कोयले की सर्वाधिक पाई जाने वाली फॉर्म है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला रूप है। और जो एंथ्रेसाइट है दोस्तों, जैसा कि इसमें 90% कार्बन होता है, तो ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोयला है, यानी कोयले का सबसे शुद्ध रूप है एंथ्रेसाइट। तो अगर क्वेश्चन आया कि कोयले का सबसे शुद्ध रूप क्या है, तो वो एंथ्रेसाइट हो जाएगा। और मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोल क्या है, वो है बिटुमिन्स। तो दोस्तों ये था कोयले के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोल, यानी कोयले का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा घने जंगल हुआ करते थे, और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जैसे बाढ़ आदि के कारण जो ये वन थे, जंगल थे, ये मिट्टी के नीचे दब गए और उनके ऊपर और ज़्यादा मिट्टी जमा होती रही, जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों, जो ये जंगल थे, वन थे, ये कंप्रेस हो गए, संपीड़ित हो गए। और जैसे जैसे मिट्टी और जमा होती गई, ये और ज़्यादा गहरे होते चले गए। और जितने ये ज़्यादा गहरे नीचे डीप में जाते गए दोस्तों, उतना ही टेम्परेचर और प्रेशर भी बढ़ता गया। तो इसी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण, यानी उच्च दाब और उच्च ताप के कारण क्या हुआ दोस्तों, ये जितने भी पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे थे, जो डेड वेजिटेशन थी, वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गई, ये कोल में कन्वर्ट हो गए। और दोस्तों जो मृत वनस्पति यानी जो डेड प्लांट्स थे, इनका धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन होना, कोयले में कन्वर्ट होना, इसे हम हिंदी में कार्बनीकरण और इंग्लिश में कार्बनाइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार कोयले का निर्माण हुआ। और दोस्तों आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आ चुका है कि किस कंडीशन पे डेड प्लांट्स कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, उच्च दाब और उच्च तापमान पर, यानी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो मृत पौधे हैं वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इससे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये आपको याद रखना है। और कार्बनाइजेशन, इसकी डेफिनेशन भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो कोयला होता है उसमें मुख्य रूप से कार्बन होता है, इसीलिए जो मृत वनस्पति है उसका कोयले में कन्वर्ट होना कार्बनीकरण यानी कार्बनाइजेशन कहलाता है। और दोस्तों कोयले को हम फॉसिल फ्यूल यानी ईंधन, जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि ये ईंधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। और दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है कि जब कोयले को एयर की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, वायु की उपस्थिति में इसे जलाया जाता है, तो ये जल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, यानी कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन दोस्तों अगर हम इसे एयर की प्रेजेंस में ना गर्म करें, विदाउट एयर यानी एयर की एब्सेंस में इसे गर्म करते हैं, तो इससे और भी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। अब हम उन्हीं उत्पादों के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड फ्रॉम कोल, यानी कोयले से प्राप्त उत्पाद। व्हेन कोल इज हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, देन यूजफुल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। यानी दोस्तों जब कोयले को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तब उपयोगी उत्पादों का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया होती है जो, इसे हम कोयले का भंजक आसवन कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। यानी दोस्तों कोयले को अगर हम एयर की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो वो जल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। लेकिन जब उसे हम एयर की एब्सेंस में, वायु की अनुपस्थिति में हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तब क्या होता है दोस्तों, उसके उपयोगी उत्पाद बनते हैं, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। और जो ये प्रोसेस होती है इसे गर्म करने की और यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने की, इसे हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यानी भंजक आसवन कहते हैं। और दोस्तों जो तीन प्रोडक्ट मुख्य रूप से बनते हैं इस प्रोसेस से, वो कोक, कोलतार और कोल गैस,
यानी कोक, कोलतार और कोयला गैस, ये तीन मुख्य प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस प्रोसेस से बनते हैं। अब हम इन्हीं तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला है कोक। दोस्तों जो कोक है वो बहुत ही हार्ड, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है, यानी कठोर, सरंद्र और काला पदार्थ होता है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, क्योंकि इसमें 80-95% कार्बन होता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके यूज़ की। कोक का यूज़ है दोस्तों वो स्टील निर्माण में किया जाता है, जो स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें स्टील बनाने में कोक का यूज़ किया जाता है। दूसरा, बहुत सारे मेटल्स होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन में यानी धातुओं के निष्कर्षण में भी कोक का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों कोक को ईंधन के रूप में भी यूज़ किया जाता है, फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि हार्ड, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस जो कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है लगभग, वो कौन सी है, तो वो कोक होती है। ये पॉइंट भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कोलतार। दोस्तों जो कोलतार है वो एक अनप्लीजेंट स्मेल वाला यानी अप्रिय गंध वाला एक ब्लैक कलर का बहुत ही थिक लिक्विड होता है, काला गाढ़ा द्रव होता है। ये दोस्तों लगभग 200 पदार्थों का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। दोस्तों कोलतार का यूज़ एज ए स्टार्टिंग मटेरियल किया जाता है बहुत सारे सब्सटेंसेस के मैन्युफैक्चर में, यानी विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके निर्माण में प्रारंभिक सामग्री के रूप में कोलतार का यूज़ किया जाता है। जैसे दोस्तों सिंथेटिक डाई, ड्रग्स, विस्फोटक, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनमें स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में कोलतार का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मोथ और अन्य जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको भगाने के लिए जो हम नेप्थलीन की गोलियां, नेप्थलीन बोल यूज़ करते हैं, वो भी कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। और दोस्तों पहले आपने देखा होगा कि जो सड़कें हैं उसे बनाने में भी कोलतार का यूज़ होता था, लेकिन आजकल दोस्तों पक्की सड़कों को बनाने में कोलतार के स्थान पर जो पेट्रोलियम से प्राप्त बिटुमिन होता है, पेट्रोलियम उत्पाद होता है, उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन पहले कोलतार का यूज़ भी सड़कें बनाने में किया जाता था। तो दोस्तों ये कोलतार के बारे में था। ये एक अनप्लीजेंट स्मेल वाला काला गाढ़ा द्रव होता है और लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसके यूज़ हमने देख लिए, नेप्थलीन बॉल्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है और बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं उनके मैन्युफैक्चर में एज ए स्टार्टिंग मटेरियल भी कोलतार का यूज़ किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है कोल गैस यानी कोयला गैस। दोस्तों जब हम कोयले से कोक बनाते हैं तो जो वो प्रोसेसिंग होती है कोयला से कोक बनने की, उसके दौरान ही दोस्तों बाय प्रोडक्ट में एक गैस रिलीज होती है, गैस भी बनती है जिसे हम कोल गैस कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, जब कोयले से कोक बनाया जाता है तो उसके दौरान ही कोल गैस भी रिलीज होती है, तो इसी गैस को हम कोल गैस या कोयला गैस कहते हैं। दोस्तों जहाँ पे जो कोयला प्रक्रमण संयंत्र होते हैं यानी कि जहाँ पे इसके प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे कोयला गैस बनती है, कोल बनता है, तो वहाँ पे जितने भी उसके आसपास अगर कोई इंडस्ट्री वगैरह हुई तो वो इंडस्ट्री क्या करती है, इस गैस का एज ए फ्यूल यानी ईंधन के रूप में इसको यूज़ कर लेती है। तो कोयला गैस का जो यूज़ है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। और ये कब बनती है, जब कोक बनाया जाता है कोयले से, तो बाय प्रोडक्ट ये गैस भी बनती है। तो दोस्तों हमने कोयले के बारे में पढ़ा, कोयले की फॉर्मेशन कैसे हुई उसके बारे में पढ़ा, और कोयले के जो उत्पाद हैं, उपयोगी उत्पाद जो कोयले से प्राप्त किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा, और उससे पहले एग्जॉस्टिबल और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, पेट्रोलियम। दोस्तों आप जानते हैं कि फ्यूल के रूप में जो पेट्रोल का यूज़ है वो हल्के वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों या फिर कारों में होता है, और जो हैवी वाहन होते हैं, भारी मोटर वाहन होते हैं जैसे ट्रक हो गए और ट्रैक्टर हो गए, इनको चलाने में डीजल का यूज़ किया जाता है। जो हल्के होते हैं उनमें पेट्रोल का, और जो भारी होते हैं उनमें डीजल का यूज़ किया जाता है। जो ये दोनों फ्यूल हैं दोस्तों, डीजल और पेट्रोल, ये क्या है दोस्तों, एक प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त किए जाते हैं, और वो नेचुरल रिसोर्स है दोस्तों पेट्रोलियम। ये दोनों के दोनों जो ईंधन है, फ्यूल है, ये पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों जो पेट्रोलियम है वो
पेट्रा जिसका मतलब होता है रॉक्स यानी चट्टाने, और ओलियम जिसका मतलब होता है ऑयल और तेल, इन दो वर्डों से मिलकर बना है, जिसका मतलब है दोस्तों कि जो पेट्रोल है उसे जो धरती के नीचे रॉक्स प्रेजेंट है, बड़ी बड़ी चट्टाने प्रेजेंट है, उनके बीच से पेट्रोल को निकाला जाता है, पेट्रोलियम को निकाला जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम बनता कैसे है? दोस्तों जो पेट्रोलियम है वो समुद्र में रहने वाले जीवों से बनता है। अब कैसे बनता है दोस्तों? जब जो समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं जब वे मर जाते हैं तो वो समुद्र का जो नीचे पेंदा होता है वहाँ पे चले जाते हैं और उसमें जम जाते हैं, और दोस्तों मिट्टी या फिर रेत की तहों द्वारा वो ढक दिए जाते हैं, और बार बार जब उनके ऊपर मिट्टी रेत गिरता रहता है तो वो और नीचे चले जाते हैं, और दोस्तों कई लाखों सालों बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या होता है, उनको ना तो वायु मिल पाती है यानी वायु के एब्सेंस में, और टेम्परेचर और प्रेशर भी हाई हो जाता है यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, इन तीनों कंडीशंस में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब, इनके द्वारा जो मृत जीव होते हैं दोस्तों उनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी वो किस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों है दोस्तों वो समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनसे प्राप्त होती है, यानी जीव जंतुओं से इनका निर्माण होता है। अब दोस्तों इनको नीचे से निकाला कैसे जाता है? दोस्तों बहुत ही डीप, बहुत ही मतलब गहरे कुएं बनाए जाते हैं इनको निकालने के लिए, और पेट्रोलियम को निकालने के बाद दोस्तों उसकी रिफाइनिंग की जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग यानी पेट्रोलियम का परिष्करण। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, दोस्तों पेट्रोलियम है जो वो एक डार्क कलर्ड ऑयली लिक्विड होता है यानी गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी जो स्मेल है दोस्तों वो अनप्लीजेंट होती है, जैसे कोलतार में दोस्तों अनप्लीजेंट स्मेल होती थी उसी प्रकार पेट्रोलियम की भी अनप्लीजेंट यानी अप्रिय गंध होती है। दोस्तों जो पेट्रोलियम होता है उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका ये मिक्सचर होता है, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम और भी बहुत सारे हैं जो इसके संघटक हैं जिनका ये मिश्रण होता है। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है कि पेट्रोलियम के कौन कौन से संघटक होते हैं। तो ये सारे नाम पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ये सभी के सभी नाम आपको याद कर लेने हैं। दोस्तों रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम जो हम पढ़ रहे थे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग, यानी दोस्तों जो पेट्रोलियम में जितने भी संघटक होते हैं इनको अलग करने की, इनको पृथक करने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रम होता है, उसे ही हम रिफाइनिंग यानी परिष्करण कहते हैं। और दोस्तों जो ये प्रोसेस है ये पेट्रोलियम परिष्करणी के द्वारा की जाती है, एक यंत्र होता है इसको परिष्करण करने का, उसके द्वारा ये की जाती है। और दोस्तों जो भी इसके संघटक हैं आप देख सकते हो, आपके सामने एक जो टेबल है, सारणी बनी हुई है, उसमें संघटक और इसके यूज लिखे हुए हैं। जैसे दोस्तों सबसे पहला है एलपीजी, एलपीजी का यूज कहाँ होता है दोस्तों? इसका यूज घरों में एज ए फ्यूल किया जाता है। पेट्रोल का यूज दोस्तों जो मोटर हो गए उनमें फ्यूल के रूप में किया जाता है, और ड्राई क्लीनिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन ऑयल कहते हैं, इसका यूज कहाँ किया जाता है दोस्तों? जो स्टोव हो गए, लैंप हो गए या फिर जेट हो गए, जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें फ्यूल के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों डीजल, डीजल का यूज दोस्तों जो भारी वाहन होते हैं उनमें, और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं उनमें फ्यूल के रूप में किया जाता है। जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है दोस्तों इसका यूज ल्यूब्रिकेशन के लिए किया जाता है। पैराफिन वैक्स का यूज दोस्तों मरहम, कैंडल्स में या फिर वैसलिन में किया जाता है। उसके बाद है बिटुमेन, इसका यूज दोस्तों पेंट में और सड़क निर्माण में किया जाता है। तो दोस्तों ये जो संघटक और इनके यूज भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों जो पेट्रोलियम है इसका बहुत ही ज़्यादा व्यावसायिक महत्व है, यानी बहुत ही ज़्यादा ये यूज होता है, इसी कारण इसको काला सोना भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पेट्रोलियम को व्यावसायिक महत्व अधिक होने के कारण इसे काला सोना भी कहा जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों ये था पेट्रोलियम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जो इसका संघटक है एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये क्या होती है।
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। दोस्तों ऐसी गैस जो हाई प्रेशर पे लिक्विफाई हो जाती है उस पेट्रोलियम गैस को ही हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, यानी ऐसी पेट्रोलियम गैस जो उच्च दाब पर द्रवित हो जाती है उसे ही हम द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और दोस्तों मेन पॉइंट ये है कि इसमें क्या होता है, दोस्तों ब्यूटेन होता है, जो एलपीजी होती है उसमें ब्यूटेन होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एलपीजी में क्या होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ब्यूटेन। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। दोस्तों जो एलपीजी है उसे अच्छा ईंधन माना जाता है, इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला है इट बर्न्स इजीली, यानी दोस्तों ये आसानी से जल जाती है। दूसरा इसका कारण है इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ही हाई होती है, यानी इसका जो ऊष्मीय मान है वो उच्च होता है, हाई होता है, लगभग 50,000 किलो जूल पर केजी इसका ऊष्मीय मान होता है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जब ये जलती है तो स्मोकलेस फ्लेम के साथ जलती है, यानी कि धूम्र रहित ज्वाला देती है, यानी कोई भी इससे धुआं नहीं रिलीज होता, धुआं नहीं उत्पन्न करती, बिना धुएं के ये जलती है, इससे वायु प्रदूषण नहीं होता। तो ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि ये कोई भी हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं करती, यानी कोई भी हानिकारक गैस उत्सर्जित नहीं करती। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, जलने के उपरांत ये कोई भी ठोस अवशेष नहीं बनाती, यानी जब भी एलपीजी गैस को जलाया जाता है तो कोई भी सॉलिड रेसिड्यू नहीं बनता। जैसा दोस्तों अगर हम कोयले को जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और बाद में जब वो जल जाता है तो एक अवशेष भी बच जाता है, राख सी बच जाती है, लेकिन एलपीजी गैस है इसमें कोई भी ठोस अवशेष नहीं बचता। और सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों, एलपीजी गैस को संग्रहित करना भी आसान होता है, ये इजी टू हैंडल होती है और कन्वीनियंट टू स्टोर, यानी इसे संग्रहित करना भी आसान होता है। तो दोस्तों ये था एलपीजी के बारे में। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि हाई प्रेशर पे जिस पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई किया जाता है उसे एलपीजी कहते हैं, और इसमें ब्यूटेन उपस्थित होता है और इसके कुछ गुड फ्यूल होने के कारण है, ये भी आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये था एलपीजी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस क्या होती है। दोस्तों नेचुरल गैस में मुख्य रूप से मीथेन उपस्थित होता है। दोस्तों हमने एलपीजी गैस के बारे में पढ़ा था, उसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन उपस्थित होता है और इसमें मीथेन ज़्यादा मात्रा में होता है, लगभग 80-95% इसमें मीथेन होता है। दोस्तों जो नेचुरल गैस का यूज़ है वो बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के निर्माण के लिए एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यानी प्रारंभिक सामग्री के रूप में किया जाता है। और दोस्तों इंडिया में अगर बात की जाए तो नेचुरल गैस है जो वो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है वहाँ पे प्राकृतिक गैस पाई जाती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम की ही तरह जलीय जीवों के मृत अवशेषों से बनती है। तो दोस्तों जो नेचुरल गैस है वो धरती के अंदर यानी अर्थ की क्रस्ट के अंदर बिल्कुल डीप में पाई जाती है, या फिर जो पेट्रोलियम है उसके साथ पेट्रोलियम तेल के ऊपर पाई जाती है। दोस्तों जो नेचुरल गैस है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूजल फ्यूल है, क्योंकि इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही इजी होता है। इसे पाइपों की मदद से, पाइपों के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसका परिवहन आसानी से किया जा सकता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जब हम इस नेचुरल गैस को हाई प्रेशर अप्लाई करके इसे कंप्रेस करते हैं तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी बन जाती है, तो इसे सीएनजी कहा जाता है। दोस्तों सीएनजी गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस के भी बहुत सारे लाभ हैं। जैसे पहला लाभ है दोस्तों, इट इज़ ए कम्प्लीट फ्यूल, ये एक दोस्तों पूर्ण ईंधन है, कम्प्लीट फ्यूल है। इसका यूज़ दोस्तों हम सीधे उद्योगों में और घरों में भी कर सकते हैं, तो ये एक कम्प्लीट फ्यूल है जिसका उपयोग हम डायरेक्टली इंडस्ट्रीज़ में और हाउस होल्ड्स में कर सकते हैं। दोस्तों ये एक शुद्ध ईंधन होता है, यानी इसको जब जलाते हैं तो इसके बाद भी कोई ठोस अवशेष नहीं बचता, जैसा दोस्तों एलपीजी में होता था। एलपीजी को जलाने के बाद भी कोई ठोस अवशेष नहीं बचता और सीएनजी को जलाने के बाद भी कोई सॉलिड रेसिड्यू नहीं बचता। दोस्तों जब हम सीएनजी गैस को जलाते हैं तो इसमें भी स्मोकलेस फ्लेम उत्पन्न होती है, यानी कि धूम्र रहित ज्वाला के साथ ये जलता है, यानी कोई भी धुआं नहीं छोड़ता। तो दोस्तों वायु प्रदूषण भी सीएनजी गैस से नहीं होता। नेक्स्ट है दोस्तों, इट एमिट्स ए हाई अमाउंट ऑफ हीट। दोस्तों जो सीएनजी गैस है ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट को एमिट्स करता है, यानी इसे उत्सर्जित करती है। दोस्तों जो सीएनजी है इसे हम
पाइपों के द्वारा घरों में या फिर उद्योगों में इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों जो सीएनजी है, आजकल आपने देखा होगा दोस्तों पेट्रोल और डीजल की जगह गाड़ियों में सीएनजी यूज़ होने लगी है, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल है दोस्तों इससे वायु प्रदूषण होता है क्योंकि ये धुआं छोड़ते हैं, लेकिन सीएनजी में दोस्तों धुआं नहीं निकलता, ये प्रदूषण से बचाता है। तो वाहनों में जो सीएनजी है उसका यूज़ होने लगा है पेट्रोल व डीजल की जगह। तो दोस्तों ये सीएनजी के कुछ लाभ थे। दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जो एलपीजी है उसके भी और जो सीएनजी है उसके भी। अब दोस्तों कुछ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों अब तक हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ते आए हैं। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ये तीनों क्या है दोस्तों, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और नेचुरल में भी कौन से दोस्तों, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी क्षय प्राकृतिक संसाधन हैं। एग्जॉस्टिबल वो होते हैं दोस्तों जिनकी मात्रा सीमित होती है और कुछ वर्षों बाद, कुछ सौ वर्षों बाद या हजारों वर्षों बाद वो खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कोयला और पेट्रोलियम दोनों क्या हैं, जीवाश्म ईंधन हैं यानी कि फॉसिल फ्यूल हैं। और फॉसिल फ्यूल यानी ईंधन किससे बने हैं दोस्तों, ये मृत जीवों से बने हैं। और दोस्तों मृत जीवों से ईंधन बनने में यानी जब जो डेड प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जब वो फ्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं तो उन्हें लाखों वर्ष का टाइम लगता है, लाखों ईयर्स लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम इनको, जितने भी ये फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं तो इनको बहुत ही जल्दी यूज़ करते जा रहे हैं। इनको बनने में तो दोस्तों लाखों टाइम लग गया, लाखों वर्ष लग गए, लेकिन हम इन्हें इतनी जल्दी यूज़ करते जा रहे हैं कि ये कुछ आने वाले कुछ सौ वर्षों में ये ख़त्म हो जाएंगे। और दोस्तों इन ईंधनों का जब हम प्रयोग करते हैं, इनको जलाते हैं तो इससे वायु प्रदूषण होता है, और जो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण इन ईंधनों का जलना ही है। और दोस्तों वायु प्रदूषण तो होता ही है, साथ में जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी धरती का तापमान बढ़ता है वो भी इनके जलने से ही होता है। तो हमें ईंधनों का प्रयोग तभी करना चाहिए दोस्तों जब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो, क्योंकि दोस्तों अगर हम ऐसे ही इसका यूज़ करते रहेंगे तो हमारे पर्यावरण को भी इससे खतरा होगा। लेकिन अगर हम इसका यूज़ तभी करेंगे जब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो तो इससे दोस्तों क्या होगा, एक तो जो ग्लोबल वार्मिंग है दोस्तों उसका खतरा हम जो है वो कम होगा, और दोस्तों जो वायु प्रदूषण है वो भी कम होगा, और जिससे जो पर्यावरण है वो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। और साथ ही दोस्तों अगर हम इनका तभी यूज़ करेंगे जब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तो इनकी बचत भी होगी, और ये बहुत ही लंबे समय तक ये बचे रहेंगे और बहुत ही लंबे समय तक इनका यूज़ होता रहेगा। तो दोस्तों ये जितने भी संसाधन हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो इनका हमें बहुत ही अच्छे से तभी यूज़ करना चाहिए जब बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो। तो दोस्तों ये था लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। अब दोस्तों एक टॉपिक बचता है कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, तो अब हम उसे पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम यानी कोयले तथा पेट्रोलियम का संरक्षण। दोस्तों इसका मतलब है कि हम कोयले और पेट्रोलियम को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, इसे कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों भारत में जो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है जिसे हम PCRA यानी पेट्रोलियम और कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन कहते हैं, उसने लोगों को सलाह दी है कि गाड़ी चलाते समय हमें किस प्रकार पेट्रोल और डीजल को बचाना चाहिए। सबसे पहला है कि जहाँ तक संभव हो हमें स्थिर और मध्यम गति से वाहन चलाना चाहिए, यानी कॉन्स्टेंट और मॉडरेट स्पीड से हमें जो गाड़ी है वो चलानी चाहिए। दूसरा दोस्तों अगर आप ट्रैफिक लाइट पर रुके हो या किसी ऐसी जगह पर रुके हो जहाँ पे आपको काफ़ी देर तक रुकना पड़ रहा है या आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है तो वहाँ पे आपको वाहन का इंजन बंद कर देना चाहिए, तो इससे भी दोस्तों जो फ्यूल है उसे बचाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों जो वाहन है उसके टायरों का जो प्रेशर होता है दोस्तों वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि टायर में अगर प्रेशर कम होगा तो इससे दोस्तों ईंधन की खपत ज़्यादा होगी। लेकिन दोस्तों अगर टायर प्रेशर ज़्यादा होगा इससे जो फ्यूल है वो बहुत ही कम कंज्यूम होगा, फ्यूल की बचत होगी। उसके बाद दोस्तों जो वाहन है उसका हमें नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हमें इन फ्यूल्स को बचाना है तो जो ट्यूबलाइट, बल्ब, पंखे वगैरह, टेलीविज़न या कोई भी उपकरण हम घर में यूज़ करते हैं
तो उनको आवश्यकता ना होने पर बंद कर देना चाहिए, तभी चलाना चाहिए जब उनकी आवश्यकता हो। और दोस्तों, बिजली बचाने के लिए जो ऊर्जा दक्ष विद्युत उपकरण होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। यानी दोस्तों, कुछ ऐसे उपकरण भी आते हैं जिनमें बहुत कम ऊर्जा है, जो बिजली है वो खपत होती है, तो उन उपकरणों का यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों, अपना वाहन प्रयोग में लाने के स्थान पर हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे बस, ट्रेन, इनका ज़्यादा उपयोग करना चाहिए और अपने साधन का कम उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, लिफ्ट का जो लिफ्ट होती है जो बिजली पे चलती है उसका उपयोग करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, सीढ़ियों का उपयोग करना चाहिए। और दोस्तों, हीटर जब हम लगाते हैं तो उसके स्थान पर हमें सर्दी में ज़्यादा कपड़े पहन लेने चाहिए, एक स्वेटर अधिक पहन लेना चाहिए ताकि उससे गर्मी पैदा हो जाए, हीटर के इस्तेमाल ना करना पड़े। तो मतलब जितना हो सके दोस्तों, हमें इन सभी नियमों का पालन करके, इन सभी उपायों को फॉलो करके हमें जो संसाधन है उनको बचाना चाहिए, उनको कंजर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। तो दोस्तों, ये लास्ट टॉपिक था और हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, अब हम पूरे चैप्टर की एक क्विक रिवीजन लेते हैं ताकि जो भी आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, एक अप्राकृतिक और एक प्राकृतिक, यानी नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में दोस्तों दो प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एक था इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा था एग्जॉस्टिबल। दोस्तों, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये तीनों क्या हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फिर हमने दोस्तों कोल के बारे में पढ़ा जिसमें कोयले से प्राप्त उत्पाद पड़े थे, कोक, कोल तार और कोयला गैस, और इन सभी के उपयोग भी पड़े। उसके बाद दोस्तों हमने पेट्रोलियम पढ़ा, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ा और पेट्रोलियम के जो संघटक थे उनके बारे में पढ़ा और उनके यूजेस पढ़े। फिर दोस्तों हमने एलपीजी गैस के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा दोस्तों नेचुरल गैस के बारे में, जिसमें हमने सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पढ़ा और इसके कुछ यूजेस पढ़े और ये क्यों लाभदायक है इसके बारे में पढ़ा। फिर दोस्तों हमने कुछ सीमित प्राकृतिक संसाधन पढ़ा और इनका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में पढ़ा। और फिर सबसे लास्ट में दोस्तों हमने कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम यानी कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण पढ़ा कि हम इसे कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। और PCRA यानी पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा जो दिए गए कुछ सलाह है उनके बारे में भी हमने पढ़ा। तो दोस्तों, ये था पूरा चैप्टर। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। लाइक करने के दोस्तों पैसे नहीं लगते।